सिडनी के घनसौर में लोकायुक्त ने पटवारी कृष्णा बेलवंशी को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी के मुताबिक पटवारी ने उससे नामांतरण के एवज में 7,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। नाम थी जमीन तो वो मेरे नाम में करना था, बस यही बजाय थे। पौती कटवाना जी, पौती कटवाना। पापा आप एक्सपर्ट हो जी, कहाँ के, किस उसका, किस गांव का मामला? व्यवहारिक खास व्यवहारिक जी। वो शिकायत के सत्यापन में ये पाया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा आवेदक से 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। जब उनके द्वारा बातचीत के दौरान 3,000 रुपए में लेन देन तय हुआ है, तो आज लेकर के बुलाया था रिश्वत लेके, तो आज दिनांक को आवेदक टीम लेकर के आया है और संबंधित जो पटवारी है कृष्णा बेलवंशी, उसने अपने घर पे ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा ने वार्ड की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर भाजपाइयों के साथ वार्डवासियों ने भी पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें कि कई बार लिखित शिकायत के बाद भी वार्ड की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। फिर से ज्ञापन देकर जर्जर सड़क, नाली और पुलिये को ठीक कराने की मांग की गई। जिस प्रकार से नगर सरकार दलगत राजनीति, बहुत ओछी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को और उनके वार्डों को का विकास कार्य रोक दी है, बहुत गंदी राजनीति इस नगर निगम में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक वार्ड में जो काम स्वीकृत हैं, जो काम टेंडर हो गए हैं, जिन या जो काम हो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी चेक करने का समय नहीं है। एक बहुत बड़े गंदी मानसिकता के साथ नगर निगम जगदलपुर की सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में बड़ी तादाद में वार्डवासियों के साथ यह आंदोलन, एक रैली के शक्ल में कलेक्टर महोदय और उसके बाद आयुक्त से मिला और अपनी मांगों को रखा है। वार्डों को चिन्हित करके सिर्फ चिन्हांकित वार्डों में विकास कार्य इनके चल रहे हैं, बाकी वार्डों को इन्होंने छोड़ दिया है। तो क्या ये शहर की जनता, ये इस उन वार्डों के, जवाहर नगर वार्ड की जनता जहां भाजपा के पार्षद है वहां की जनता इस शहर की जनता नहीं है क्या? क्या कांग्रेस सिर्फ उन्हीं वार्डों से उनको वोट चाहिए जहाँ उनके पार्षद हैं? ये भेदभाव करना बंद करें, अन्यथा अभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन है, इसके बाद सारे वार्डों से इस तरह से माताएं बहनें निकलेंगी और इनको इनके पक्षपात को इनको अवगत कराएगी और आने वाले समय में ये लोकतंत्र है, ये जनता इनको ईद का जवाब पत्थर से देगी। कई बार मौके को लिखित शिकायत देने के बाद भी वार्ड की समस्या जस की तस पड़ी हुई है, मजबूर होकर वार्डवासियों के साथ नगर निगम पर जगदलपुर कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए हैं। इस ज्ञापन में रोड, नाली, पुलिया, सड़क जर्जर रूप से ठीक करने के लिए और पानी की समस्या को दूर करने के लिए और मांगलिक भवन का जांच करने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए और राशन दुकान पीडीएस गोदाम खोलने के लिए ज्ञापन दिया गया है।